शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं भदोही विधायक जाहिद बेग ने जिले की कई समस्याओं के संबंध में उच्चाधिकारियों के नाम लिखित पत्र को कलेक्ट्रेट परिसर सतपथा पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग को लिखे पत्र में विधायक जाहिद बेग ने अपने विधानसभा क्षेत्र दूलमदासपुर से मानिकपुर पौलिया खाड़ी तक मार्ग के नवनिर्माण सहित कई आवश्यक कार्य कराए जाने की मांग की। जनहित की समस्याओं को देखते हुए उनकी स्वीकृति की जाए। जाहिद बेग ने भदोही शहर के लिप्पन त्रिमोहनी पर जाम की स्थिति से रूबरू कराया और 3 से 4 फीट चौड़ाई बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में भदोही शहर स्थित गाजिया ओवरब्रिज से ज्ञानपुर रोड पर आवागमन हेतु ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग की। भदोही शहर के मुख्य रोड गाजिया ओवरब्रिज से एतमा त्रिमोहनी तक जर्जर और टूटी सड़क को बनवाने की मांग की। कहा कि इससे आने जाने वालों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी से भदोही की समस्या के लेकर मिलने आए थे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है। नालों में पानी नहीं है। ज्ञानपुर नहर, मुख्य नहर और भदोही शाखा नहर सूखा पड़ा है। प्रदेश सरकार को किसान के मामले में सोचने के लिए समय नहीं है। एक तरफ पानी की मार है, दूसरी तरफ नहर सूखा हुआ है और जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने दिया है लिख के कि अगर 1 तारीख तक नहरों में पानी नहीं किया आया छोड़ा गया तो हम लोग नहर के अंदर बैठ के धरना देने काम किया जाए। नंबर 2, आपको याद होगा कई पत्र हमने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कार्पेट स्मार्ट में और उन्होंने वादा भी किया था कार्पेट स्मार्ट बनाने के लिए, भदोही समस्या को समाधान के लिए कई वादा किया था, पब्लिक किया था। उसमें एक मुख्य रूप से था 140 सीढ़ी और बहुत सी चीजें उसमें था। नंबर 1 शौचालय सीढ़ी था। अक्टूबर के महीने में 13 अक्टूबर को लगभग आए थे, आज 7 महीना से ऊपर हो गया लेकिन एक भी पैसा अभी तक नहीं आया। भदोही वर्बीज से लिप्पन एकमा तिमाही तक सड़क बनी है लेकिन इसमें 40% बाकी रह गया है, लगभग 300 फीट अभी तक सड़क नहीं बनी। आए दिन दुर्घटना होती है, टेम्पोट उलटते रहते हैं। क्या कारण है कि 6 महीने पहले सड़क बन गई अभी तक नहीं बना? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिछले बार भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से दिया था, इस बार मैं देख के आया हूँ उसकी सिलसिले में जिलाधिकारी से भी मैं बात किया हूँ कि गरीब आदमी बीमार होता है, इलाज के लिए